अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय सेल्फ शेख अब्दुल अजीज, टीचर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल फरकिन, जोन करालपुरा। डियर स्टूडेंट्स, टुडे माय टॉपिक इज मोशन ऑफ द अर्थ, सब्जेक्ट सोशल साइंस, पार्ट जियोग्राफी, एंड माय टॉपिक इज मोशंस ऑफ द अर्थ। सो बिफोर प्रोसीडिंग टू द मोशंस ऑफ अर्थ, वी हैव टू सी What is Earth? We have to know what is Earth. Astronomers ने एक मॉडल बनाया है इसका, तो उस मॉडल के जरिए हम समझ सकते हैं कि अर्थ कैसी है। हूबहू शक्ल जिसको कहते हैं उसी हूबहू शक्ल को ग्लोब कहते हैं। ये आपने अपनी फिफ्थ क्लास में भी पढ़ा होगा कि ग्लोब इज द मॉडल ऑफ अर्थ। इसी ग्लोब के जरिए हम जो है मोशन ऑफ अर्थ जो है वो हम समझ सकते हैं। अब motions, there are two types of motions. One is rotation and another is revolution. First we will discuss what is rotation. Rotation is the movement of the earth on its own axis. जमीन की हरकत अपनी ही एक्सिस के ऊपर, यानी ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि जमीन स्टेशनरी नहीं है, रुकी नहीं है, बल्कि मूवमेंट करती है अराउंड द सन, सूरज के आसपास चक्कर लगाती है। ये हमने फिफ्थ क्लास में पढ़ा है। तो इसी को फर्दर प्रोसीड करते हुए हम रोटेशन को इस तरह समझेंगे। रोटेशन ये जो है नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। अब रोटेट कैसे करती है जमीन, ये इसकी रोटेशन है। यानी अभी आप देख रहे थे कि कुछ कंट्रीज जैसे इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, ये कंट्रीज जो पाकिस्तान वगैरह, ये आपको यहां पे देख रही थी। अब आप वो कंट्रीज नहीं देख रहे हैं, अब आप देख रहे हैं अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एटसेट्रा। सो दिस इज कॉल्ड रोटेशन। अगेन आप देखेंगे ये जमीन की हरकत जो है, ये मूवमेंट जो है, इसको हम रोटेशन कहते हैं। और ये कंप्लीट हो जाती है 24 आवर्स में, यानी 24 घंटों में ये एक चक्कर जो है कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अगर दूसरा देखा जाए, दूसरा जो हमारा पॉइंट है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या है? रेवोल्यूशन है होल मूवमेंट ऑफ द अर्थ, यानी सारी अर्थ जो है वो सूरज के आसपास घूमती है इस तरह। दिस कॉल्ड रेवोल्यूशन। और रेवोल्यूशन जो है ये 365 डेज, यानी 365 डेज एंड 1/4, दैट इज 6 आवर्स, 365 दिन और 6 घंटे इसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में सर्फ हो जाते हैं, उसको हम ईयर कहते हैं। तो इसी तरह अगर हम नीचे जाएंगे यहाँ पे डेज एंड नाइट्स ऑन द अर्थ, यहाँ पे मैंने एक फिगर भी बनाई है, आपके बुक पर भी है। दिस इज सन एंड दिस इज द अर्थ, दिस नॉर्थ पोल साउथ पोल, जिस तरह ग्लोब पे भी यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन वो सर्कल होता है जो डिवाइड करता है डेज को नाइट से, यानी डेज को अलग करता है और नाइट्स को अलग करता है। दिस इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब यहां पे हम देख रहे हैं इस एरिया में डे है और यहां डार्क एरिया जो है वो वहां पे नाइट है। क्यों यहां पे नाइट है? ये यहां पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है और इस एरिया में सूरज की रोशनी पड़ती है, तो यहां पे ऑब्जर्व करते हैं डे और यहां पे नाइट करते हैं। यहां पे इक्वेटर लिखा है, इक्वेटर वो इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो हाउ डेज एंड नाइट्स, अगर आपके माइंड में यहां पे सवाल होगा कि अगर जमीन मूवमेंट करती ही ना, बिल्कुल जमीन हरकत ही ना करती तो क्या होता। अब जब जमीन मूवमेंट नहीं करती तो सूरज के सामने वाले जो एरियाज थे वहां पे बिल्कुल सूरज की रोशनी कंटिन्यूअसली पड़ती रहती सनलाइट, और वहां बहुत ज्यादा गर्मी होती। बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से वहां पे कोई भी चीज जिंदा ना रह सकती। और पीछे वाला एरिया जहां पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती, वहां बहुत क्लाइमेट जो कोल्ड क्लाइमेट होता है, कोल्ड क्लाइमेट की वजह से भी वहां पे जो है लाइफ इम्पॉसिबल हो जाती। तो लिहाजा ये वो प्लैनेट हो जाता जिस पे लाइफ इम्पॉसिबल हो जाती। इसकी मूवमेंट ही की वजह से, अर्थ की मूवमेंट, रेवोल्यूशन एंड रोटेशन दोनों की वजह से जो है वो लाइफ पॉसिबल हुई है अर्थ पे। तो अब आप देखेंगे कि हाउ डेज एंड नाइट्स ऑकर। अगर यहां पे मैंने लिखा है डेज एंड नाइट्स ऑन द अर्थ, किस तरह जो है दिन, रात और दिन बनते हैं, इससे हम एक कैंडल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज सन, दिस कैंडल इज सन,
कंसीडर कीजिए ये कैंडल जो है स्थान है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे सूरज जो है वो उसकी रोशनी जो है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, बर्मा, बांग्लादेश और इन ऐसी कंट्रीज पे पड़ रही है। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं डेज फेसिंग टू द सन, द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग टू द सन, द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग टू द सन ऑब्जर्व्स डेज। अगर हम इसको देखते, आप देखते जाइए, अब ये रोटेशन की हो रही है अर्थ की, साथ में रेवोल्यूशन भी चल रही है आहिस्ता आहिस्ता, रोटेशन जो है वो तेजी से हो रही है। अब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका, भूटान ये कंट्रीज सामने नहीं है बल्कि ये बैक में चली गई हैं, वहां नाइट हो गई है और यूएसए, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ पे अब डे हो गया। तो इससे ये पता चला कि अब इंडिया, पाकिस्तान उन कंट्रीज में नाइट है और जो जो फेसिंग कर रही है सन के सामने जो कंट्रीज है वहां पे डे है। इसी तरह से आप समझ चुके होंगे कि किस तरह रोटेशन की वजह से जो है रात और दिन बनते हैं। रेवोल्यूशन जो है ये रोटेशन के साथ साथ रेवोल्यूशन भी होती जाती है। इस तरह रोटेशन सूरज के आसपास जो है जमीन चक्कर लगाती रहती है, जिसको हम 365 दिन और 6 घंटों में एक चक्कर कंप्लीट करती है, तो इसी को हम रेवोल्यूशन कहते हैं। अब आपको स्टूडेंट्स मुझे आइडिया लग गया कि अब आप समझ चुके होंगे कि किस तरह डेज एंड नाइट्स ऑफर होते हैं। थोड़ा सा हम लीप ईयर के बारे में बात करेंगे। लीप ईयर यानी यहां पे 6 घंटे जो 365 डेज एंड 6 आवर्स जो सेव होते जाते हैं एवरी आफ्टर 4 ईयर्स, यानी 6 × 4 = 24, यानी 24 आवर्स जो एक्सेस रह जाते हैं वो एड किए जाते हैं, फोर्थ ईयर में ऐड किए जाते हैं। वहाँ फरवरी के मंथ में, फरवरी के महीने में ये 24 आवर्स को ऐड किया जाता है, वहाँ एक डे इंक्रीज हो जाता है। आम ईयर्स में जो है वो ईयर कंप्रेस होता है 365 डेज का, बट लीप ईयर जो है वो 366 डे का, 366 दिन का बन जाता है। ये जो एक्सेस 6 घंटे हैं ये 6 चार सालों के ये घंटे जमा करके वहाँ पे ऐड किया जाता है, तो ये लीप ईयर तब कहलाता है जब जब हमारा साल जो है 366 डेज का हो जाता है आफ्टर 4 ईयर्स, ये हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं, तो इसको लीप ईयर कहते हैं। अब लीप ईयर का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। अब आपको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, किसने ये कंसेप्ट दिया, आपके माइंड में बात होगी कि किसने ये कंसेप्ट दिया दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन इट्स ओन एक्सिस, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन इट्स ओन एक्सिस। ये है एक एंशिएंट एस्ट्रोनॉट है, इंडियन एंशिएंट एस्ट्रोनॉट है, जिनका नाम है एस्ट्रोनॉमर है जिनका नाम है आर्यभट्ट। उन्होंने ये कंसेप्ट दिया दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन इट्स ओन एक्सिस, तो ये उन्होंने दिया है। अगर आपसे कोई पूछे कि किसने ये कंसेप्ट दिया तो आप कह सकते हैं कि आर्यभट्ट। आज की क्लास में हमने इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास है वो हम नेक्स्ट क्लास जो हमारी आएगी उसमें हम देखेंगे कि किस तरह सीजन्स चेंज होते हैं, मूवमेंट ऑफ अर्थ की वजह से डेज एंड नाइट्स ऑकर होते हैं और किस तरह फिर सीजन्स चेंज होते हैं कि जैसे हमारे 4 सीजन हैं, ऑटम, विंटर, समर वगैरह, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इंशाल्लाह इतना ही, लेकिन आपसे से अलविदा होते से होने से पहले मैं आपको इस बोर्ड का पिक जो मैंने आपको डाला है इसका फोटोग्राफ, उस पर आप देखें कुछ क्वेश्चंस के आंसर लगे हुए हैं एक्सरसाइज में, जैसे आपका आ गया लीप ईयर कंप्राइज हाउ मेनी डेज, वहाँ पे हाउ डेज एंड नाइट्स आकर, व्हाट इज रेवोल्यूशन, व्हाट इज रोटेशन, तो उसके आंसर्स यहाँ इस पर बोर्ड पर लगे हैं। आप अपनी कॉपी पेन डाउन करेंगे जो स्कूल खुलेंगे, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।